फ्रेंड्स, द लाइफ प्लैटर में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहना भी चाहिए और आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। मेरा तबीयत अभी ठीक है, 70% मैं ठीक हूँ। आप सबके आशीर्वाद दुआ मेरा काम आ गया। वायरल है, 7 दिन तो रहेगा ही, उसमें से मेरा 5 दिन निकल गया है और 2 दिन में मैं पूरा परफेक्ट ठीक हो जाऊंगी, मतलब विश्वास है मन में। आज है सैटरडे और हैप्पी मोहालय। आज भोर को मोहालय हो चुका है तो सबको एक दुर्गा पूजा का बहुत बहुत बधाइयाँ और बेस्ट विशेष अभी से आज से ही दे रही हूँ। डेली देते रहूँगी जब तक दुर्गा पूजा विजयदशमी ना आए। मेरे तरफ से हर दिन विशेष रहेगा आप सबके लिए कि बहुत अच्छा से दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कीजिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। और आज प्रोग्राम बना था कि आमबागन जाके टुआ के लिए एक कुर्ती लेके आऊँ, एक नाइटी लेके आऊँ, लेकिन प्रोग्राम होते होते फिर कैंसिल हो गया। शरीर साथ नहीं दे रहा था ना और माथा पूरा भारी हो गया मेरा। लगता है 50 किलो का कोई बोझा मेरे सर पे रख दिया है। मैं मुंडे ऐसे नहीं कर पा रही हूँ। अंदर अंदर सर्दी है जो पक गया है, वो इसी की वजह से सर पूरा भारी हो रखा है। मैं तो दवाई लाई थी कोर्स, वो भी आज और कल खाऊंगी तो कोर्स ख़त्म होगा। मेरा 5 दिन का कोर्स है, दवाई यहीं रखा है, ये देखिए। तो इसी वजह से कैंसिल हो गया। धूप भी बहुत सर चढ़ के बोल रहा है, बहुत कड़ा धूप है अभी, बहुत सर चढ़ के बोल रहा है, तो टूआ रिक्स नहीं लिया, उसी वजह से कैंसिल कर दिया। क्योंकि धूप सर पे लेके मार्केटिंग नहीं होता है। आप स्वस्थ रहे चाहे अनहेल्दी रहे, हेल्दी रहे, नहीं होगा। रिलैक्स होके आपको शॉपिंग करने में मज़ा आता है। और फिर वहाँ से घूम के, और आमबागन कितना बड़ा एरिया है, कपड़ा दुकान ए मुंडी से ओ मुंडी तक दौड़ना है पूरा चल के, फिर ठंडा गर्मी फिर लगेगा, फिर सर्दी जुकाम होगा। इस वजह से वह भी रिक्स नहीं लिया, मैंने भी रिक्स नहीं लिया। और बिस्तर का हाल देखिए, हाँ चढ़ गई है। हाँ क्या है ऊपर में तुमको, फटाफट चढ़ जाती है क्या क्या निकल के अपना। मुझे तो मतलब एहसास भी नहीं होता है कि क्या करने वाली है वो। और अभी जानते हैं 1 बज गया है और लंच का आता पता नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं था लंच का, खाऊंगी नहीं बनाऊंगी नहीं, इस तरह का था कि चलो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी लग रहा है पका पकाया कोई मुझे दे, परोस के दे, अच्छा लगेगा। लेकिन सैटरडे है, वेडनेसडे है, तो उसमें टुआ भी पूरा कन्फ्यूज कि क्या बना के दूँ तुमको, तो और तुमको मुँह में अच्छा भी लगे और क्या चीज़ दे बोला। अच्छा अभी तुमको याद पड़ा, उसको पोछना पड़ेगा, पूरा गंदा है, छी छी छी, आयरन जब देख लो तो अल्लाह बोस ने फर्स्ट सेमेस्टर देने गया था तब अपना सर जितना कुर्ती वगैरह आयरन किया था। उसके बाद अभी वो सेकंड सेमेस्टर देने का टाइम आ गया, फिर उसको आयरन को अचानक से याद आया, धरपड़ा के उठा ऊपर में देखे आप सब, फिर क्या चीज निकाला, उसका कैरी बैग निकाला जिसमें वो आयरन था, उसको निकल कर भी आयरन अंदर में, अच्छा आपका आयरन दिखा तो उसका हाल क्या। पलंग का नीचे से आयरन को निकाला, हाँ, और आयरन कितना गंदा हो रखा है देखिए, पूरा झूल वगैरह लग के। ऐसे मैंने भी नहीं चढ़ाया। ठीक है, तुमको जब याद पड़ेगा तुम्हें उसको लेना, तुम्ही रखना, तुम्ही करना सारा चीज़। अभी मैं छोड़ दिया हूँ, अभी मैं उतना केयर नहीं करती घर के सामान बोलिए, बस खाली मुझे पकाना रहता है, कुछ भी पका लेती हूँ, खा लेती हूँ, बिजनेस के लिए निकल जाती हूँ बस। मतलब क्या बोलूँ आप सबको, कुछ भी करने क्या तुमको क्या मिल गया है, क्या क्या कहाँ क्या मतलब कपड़ा निकल के पोछ पाछ रही है, जो लास्ट में देखा जाएगा वो अच्छा कपड़ा को गंदा करके छोड़ दिया। ना भालो का पोछ, अच्छा ठीक है, अच्छा से पोछना उसका वायर भी, तुम अच्छा से पोछना है। अभी उसको मन हुआ कि नहीं उसको घुसाए, लेकिन 2 दिन बाद फिर निकालेगी, फिर 1 साल पड़े रहेगा। मेरा चेहरा देख के पता ही चल रहा है ना कि अभी तक बीमार लग रही हूँ ना, पूरा आँख सब फूला हुआ है। 9:30 बजे तो मैं नींद से उठती हूँ, मतलब इसी बहाने आपका आँख सब कितना बड़ा बड़ा लग रहा है बोलो। कहाँ बड़ा बड़ा लग रहा है, फूल जाने से तो आँख छोटा लगता है ना, बोलिए तो आप बोल रहे इसी वजह से आँख बड़ा बड़ा लग रहा है, कहाँ बड़ा बड़ा लग रहा है। मैं यहाँ खड़ी होकर बात करती हूँ, वीडियो में ये आई कार्ड दिखता है, किसी का मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आई कार्ड है, किसका, टुआ का, आइडेंटिटी कार्ड, इस का नहीं, ये मेरा एजेंसी का आई कार्ड है। जब भी मीटिंग वगैरह होता है, डिवीजन से ऑफिसर लोग आते हैं ना, तब आई कार्ड पहनना उन लोग का मस्ट हो जाता है। बिना आई कार्ड का एंट्री नहीं ऑफिस में,
इसीलिए मेरा ही आई कार्ड यहाँ लटकते रहता है। तो लंच, टुआ का लंच टुआ प्रिपेयर कर लिया है, टुआ का लंच खरीदा हुआ, मेरा लंच होममेड है, मैं दिखा देती हूँ। हाँ चलिए, टुआ का लंच, ये दो पैकेट देख रहे हैं, ये टुआ का लंच आज का, जब खोलेगी तब आप सबको दिखाएगी कि इस पैकेट का अंदर क्या लंच छुपा हुआ है, ठीक है। और मेरा एज यूजल होममेड, यहाँ पानी, भात का पानी मैंने चढ़ा दिया है, यहाँ चावल है धो के रखा है, यहाँ थोड़ा सा मसूर दाल है, एकदम थोड़ा सा, और यहाँ मिर्चा, कुमड़ा और आलू, नीचे में आलू, कुमड़ा और मिर्चा मैंने डाल दिया। आप ये जो मसूर की दाल, ये भी डाल दूंगी, यूनिक रेसिपी आज का, ये खिचड़ी मत समझिए कोई, ये हो गया सारे सब्जी और थोड़ा सा दाल दे के सिद्ध भात। ये हो गया चावल, टुआ भी इसमें से खाएगी, जब मैं इसको परोसूंगी ना तब उसको भी लोभ लगेगा, मुझे मालूम है ना। हम तो बोले दीजिए टाइम प्रथम बार एकदम हमें खाएंगी, छोटो वाला खाई चुकी ना जानी ना। हाँ छोटा में तो ऐसे ही तुमको बना के खिलाते थे, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल और सारा सब्जी, विटामिन वाला सब्जी, कुमड़ा उमड़ा नहीं, कुमड़ा में कोई विटामिन नहीं है। और नमक, स्वाद के अनुसार नमक, मस्टर्ड ऑयल, बस अभी एक दो सीटी लग जाएगा, मेरा लंच रेडी। एक पापड़ भूंज लूंगी, इसको चला दिया हूँ ऊपर नीचे, अच्छा से सारा इंग्रेडिएंट्स, चावल दाल एक साथ मिक्सिंग हो गया तेल नमक के साथ, अब इसका मैं प्रेशर लगा देती हूँ। लंच बन गया, वन पॉट मील, अब जब जैसा तब तैसा, भगवान ने बोला है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, भेज दे है, टुआ को पता नहीं चल रहा, कंफ्यूजन है मेरा स्वाद के अनुसार वो क्या बनाएगी, तो मैंने अपने माइंड में सेट करके ही एक आइटम मैंने दे दिया है। खिचड़ी नहीं है, देखिए मैं मसाला हल्दी कुछ नहीं डाला, ये है सब्जी और थोड़ा सा डाल दे के सिद्ध भात। ये बंगाली ऑथेंटिक डिश है, जो खुद का चावल होता है ना, छोटा छोटा टूटा हुआ चावल, खुद का चावल का भात ऐसे बनता है, मतलब सुबह नाश्ते के लिए गांव में, बंगाली गांव जितना है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट गांव में, वो सब में ये है सुबह का कॉमन नाश्ता, खुदेर भात, खुदेर भात, खुदेर सिद्ध भात। हाँ थोड़ा सा बटर इसमें, घी बटर के साथ, और भी ये ज्यादा प्रमोशन पा के लंच होगा, मतलब भात जो है प्रमोशन मिल जाएगा उसका ऊपर, घी और बटर डालेंगे तो, मेरा प्रमोशन नहीं। देखिए इसका एल पालना जैसा इसका पैकिंग आया था, इतना थसे से झूल रहा है, और ये इसमें 16 पीस है, और इतना मिनी, मतलब ये माइक्रो मिनी हो गया ना चुमा, ये एकदम माइक्रो मिनी, मिनी से भी मिनी। तो बोलते हैं ना सस्ता लेके पछता, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बट टुआ बहुत सेटिस्फाइड है ये चीज़ लेके, बोलता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जब ऑर्डर दिया था ऑनलाइन में तो उसको बड़ा लगा था, डिस्प्ले में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था, तो उसी लोभ में वो बहुत मिनिमम प्राइस में मिल गया उसको, तो उसको लगा कि हाँ बहुत फायदे में मैं रह गया। जब ये डिलीवर आया घर में, जब उसको ओपन किया और जब खोला, तब मैं तो पूरा हंस पड़ी, मैंने कि ये तो ठीक से पैदा भी नहीं हुआ रे, तुमको दे गया तो बोला मम्मी तुम मजाक में मजाक कर रही हो मेरा चीज़ लेके, और नहीं तो क्या, इसको तो पकड़ते ही डर लगता है, लगाऊंगी क्या इसमें, देखिए तो ये मेरे होंठ, मतलब होंठ पे इसको घसने के लिए ये खुद ही टूट जाएगा,
इतना छोटा है। बोलिए कितना छोटा है, पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। कुछ ऑनलाइन में ऐसे चीज़ अगर ऑर्डर देते हैं लगता है बड़ा, लेकिन आते टाइम वो आएगा इतना छोटा। इतना ये जो उंगली का ये जो दागी है बस इतना ही उसका लेंथ है यहाँ से यहाँ। इसको पकड़ने में भी मुझे डर लग रहा है, लगाऊंगी क्या। फिर भी मैं एक लगाया सेट, पूरा हल्का है एकदम, अच्छा लग रहा है, लगाने में डर लग रहा है। तो कल इसका ये वाला आया, मतलब दुर्गा पूजा का शॉपिंग बोलने से बस यही एक हुआ, यही एक शॉपिंग टू ऑनलाइन। दू ना दू करते 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 लास्ट में दे ही दिया, आ गया तो मुझे दिखाई, मम्मी आ गया। मैं तो बाहर थी प्रोस्पेक्टिंग में, जब आई तो बोला माँ उस चीज़ आ गया, क्या दिखाओ। जब दिखाया मैं ना हंस पड़ी देख के, लोग ये तो ठीक से फायदा भी नहीं हुआ, तुमको डिलीवर हो गया। अचानक मुझसे मेरा यही वर्ड निकल गया, बोला हाँ तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा चीज़ का, हम तो जानबूझ के ही दिए, हमने इतना छोटा तुम देख के दिया। बोला नहीं इससे थोड़ा बड़ा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आया बहुत ही छोटा, फिर भी वो सेटिस्फाइड है। ठीक है चलिए, बच्चों का खुशी हम लोग का खुशी, वो सेटिस्फाइड है तो मैं भी हूँ। तो बस लंच तो प्रिपेयर हुआ होगा, 2 सीटी में मैं बंद कर दूँगी कुकर का, 2 सीटी होने पर बंद कर दूँगी। ऐसे डिटेल्स में नहीं बोलने से आप लोग फिर बोलेंगे वाह क्या सिटी देगा, कैसे में तैयार हो जाएगा, आप लोग फिर सोचते रहेंगे मीता क्या क्या बोल रही है। और अभी 1:15 हो रहा है, बाहर बहुत धूप है। कल ही कपड़ा मैंने शाम को खींच लिया था, वही सूखने दे दिया बाहर, सर नहीं धोई मैं, मतलब ठंडा पकड़ लेगा बोल के मैं सर नहीं धोई, ऐसे ही नहा लिया, सर से पानी नहीं डाला। अभी भी नाक ना हो रहा है, सर हो रहा है, और एनी टाइम कुछ ना कुछ कपड़ा लग रहा है पोछने के लिए, और ये हिस्सा पूरा जल रहा है नाक पोछते पोछते, ये हिस्सा पूरा जल रहा है मेरा। चलिए लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ प्रोग्राम अगर बन जाएगा तो देखती हूँ। टुआ के लिए कपड़ा खरीदना था, टुआ के लिए खरीदूँगी क्योंकि बच्चा है, दुर्गा पूजा है, चाहे वो पहने ना पहने एक कपड़ा का ला के उसका सर का पास में रख देगी, उसको मन में सेटिस्फाइड है कि हाँ पूजा में मम्मी दिया है मुझे। बाकी उसको भी मन नहीं है क्योंकि उसका फिर 24 को चले जाना है, उसका एग्ज़ाम है, फिर सेकेंड सेमेस्टर है, वो चले जाएगी फिर, तो उस दिन का बारे में सोच के ही उसका मन से भी एक्साइटमेंट पूरा चले गया है। दुर्गा पूजा मतलब क्या, हम बेंगोलीज का एकदम दुर्गा पूजा मोहल्ला से षष्ठी से शुरू होता है अप टू आपका लक्ष्मी पूजा तक उसका वाइब्स रहता है। काली पूजा का फिर अलग वाइब्स, क्योंकि उसमें फटाका होता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन दुर्गा पूजा का जो वाइब्स रहता है, भोग खाना घूमना फिरना अड्डा सारे जो लक्ष्मी पूजा तक रहता है, और उसी का बीच में वो विजयादशमी का दिन ही उसको जाना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा टेंशन है अभी पैकिंग करना उसको अभी है जाने के लिए, तो उसी में उसका चिंता और मेरा चिंता तो अलग है। मेरा तो चिंता है फाइनेंशियल चिंता बहुत ज़्यादा, खर्चा इतना हो जा रहा है, खर्चा इतना बढ़ जा रहा है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। घर को सोचा था थोड़ा डिस्टेंपर करूँगी, वो भी नहीं हो रहा है, देखती हूँ कैसे क्या कब कर। पर्दा उठा दिया बरामदा, तो यहाँ से रोशनी आ रहा है तो अच्छा से कन्वर्सेशन हो पाएगा, देख के मेरा फेस आप लोग अच्छा से देख पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हो गई बरामदा में, घर पूरा अंधेरा है। ठीक है चलिए अभी रखते हैं, फिर देखते हैं टुआ का लंच आप सबको दिखाएगी। मैंने पैकेट खोलना चाहा, बोला नहीं मैं दिखाऊंगा, ठीक है तुम दिखा। पेशाब का सीखा, बापरे बंद कर दिया मैंने, बहुत अच्छा ना खुशबू आ रहा है, प्रेशर जब हाई हुआ बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, लगता है निकल के तुरंत खा लूँ। बड़ा आलूदम और ये दही पानी अलग से, यह अच्छा करी पत्ता है ना, करी पत्ता सोर्स है।
बस इसका यही लंच, और मेरा तो दिखाए, मेरा भी थाली हम लेके आ रहे हैं, खाली पापड़ भुजना बाकी है। तुम अपना लंच तुम शुरू कर दो, मैं फिर ज्वाइन करती हूँ। मेरा आज का सैटरडे स्पेशल वेज लंच। क्या लंच? थोड़ा सा बटर था मैंने डाल दिया, लेकिन इसमें ना पानी ज़्यादा हो गया। खाने में देखिए, कुमड़ा, सीझा हुआ मिर्चा, ये आलू, नमक, तो इसमें सब सारा चीज़ मैंने डाल दिया हूँ। कुछ नहीं है, ठंडा होने का इंतजार है, और पापड़ भूंज लिया मैंने। ये मेरा लंच टुहा का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यही बहुत टेस्टी लगता है भूख के टाइम पर, भूख भी जोरों से लगा है। ठंडा करने के लिए चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आज मैं आ गई हूँ सी सेक्टर। थोड़ा सा आज इवनिंग स्नैक्स खाने का कुछ मन हुआ, बहुत दिन हो गए थे कुछ मंचूरियन चाउमीन ऐसा कुछ खाया नहीं था। मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, तो उनको भी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, फीवर के वजह से स्वाद चला गया। तो मैं मेरे लिए यहाँ पे वेज मंचूरियन ले रही हूँ, और मम्मी के लिए पापड़ी चाट ले लूँगी। तो यहाँ पे गरम गरम बन रहा था, मुझे ग्रेवी वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ले लिया हाफ प्लेट मेरे लिए। पूरा तो खा नहीं पाऊँगी, मम्मी भी इसमें से थोड़ा सा खाएगी, और उनके लिए पापड़ी चाट ले लूँगी। घर जाके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो मंचूरियन तो ले लिया, अब चलते हैं गुपचुप वाले स्टॉल में। गुपचुप का स्टॉल में आते ही जो एक जो खट्टा पानी का, और जो वो आलू मसाला जो वो लोग सान के रखते, जो स्मेल आता है ना, उससे ही पेट में मड़ोड़े उठना स्टार्ट हो जाता है भूख से ना। और यहाँ पे गरम गरम चाट भी बन रहा था, तो मैंने एकदम बोला अंकल को कि एकदम चटपटा सा बनाइए, झाल झाल जैसे स्वाद आए मुँह में। तो वैसा ही अंकल ने खट्टा पानी, मीठा चटनी जो भी था सारा डाल के बनाया, बहुत अच्छे से बनाया। अब जाके देखते हैं मम्मी का कैसा लगता है। पापड़ी चाट ले रही हूँ ना, घर जाते जाते वो नरम ना हो जाए, सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी ट्राई कर रही हूँ जल्दी जाने का, ताकि थोड़ा सा क्रंचीनेस रहे तब भी। खाना शुरू, फिर याद आया कि मैंने तो थोड़ा वीडियो किया ही नहीं, खत्म। लेकिन इनका ना पापड़ी चाट पूरा नरम हो गया था। कैमन बनी छो? ओके ओके, ज़्यादा। हम काफ़ी दिनों बाद मंचूरियन खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे संडे। कितना तारीख आज? मैं तारीख पंद्रह, आज 15 तारीख है, 15 अक्टूबर संडे। कल का वीडियो एंड नहीं किए थे, और रात का डिनर भी कुछ नहीं किए थे। आप लोगों ने देखा मंचूरियन टुआ खाई, और मैं पापड़ी चाट खाई, बस पानी पी लिया। उसके बाद टुआ शाम को जो हॉर्लिक्स बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, देखा है पता नहीं, हॉर्लिक्स बनाई थी, बहुत ज़्यादा बन गया था। मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा उस क्वांटिटी में पानी दे दिया, और बहुत अच्छा से भी बनाई थी। रात को वही फिर दोनों एक एक कप पी के हम लोग सो गए 10 बजे, और गुड नाइट का वीडियो नहीं बना था। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह का चाय हो गया, नाश्ता टुआ कुछ नहीं खाई, खाली मूढ़ी, उसमें पानी, नमक, थोड़ा चीनी डाल के ओ आर एस मूढ़ी बोल सकते हैं। कभी कभी वो ऐसे खा लेती है, कभी कभी उसको जब लगता है आने से फील होता है, इंडाइजेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, है तो नहीं, इंडाइजेशन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं। तो तभी वो हल्का एकदम मूढ़ी खा लेती है और कुछ नहीं। तो और मेरा तो नाश्ता कुछ नहीं, सर्दी से पूरा हैंगओवर है। सर्दी हो ठीक हो गया, लेकिन माथा पूरा भारी हो के रहा है, एकदम बोझा जैसे मंडी में कोई चला दिया है, एकदम 50 किलो का बोरी इस तरह हो रहा है पूरा। और उसके वजह से ना पूरा लेथर्जी टाइप का लग रहा है, कुड़ियापन बहुत आ गया है शरीर में, बहुत आलसीपन आ गया है, कुछ मन नहीं हो रहा करने को। काम हो गया है मेरा, झाड़ू कर लिया है, और बर्तन सुबह का धो लिया है, चाय पी लिया है 2 बार, और एक ट्रिप रखा है 2 सिप जैसा चाय रहेगा। तो चलिए आज का दिन फिर शुरू करते हैं, और कल का वीडियो आज तक चल रहा है,
तो यहीं पर इसको एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तब चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वाले वीडियो में, आप सबके साथ फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।